नहीं मिलता। ये तो अच्छे दिल की निशानी होती है ना कि आप इंसान कितने प्योर हैं। मेरे साथ भी चीज़ें होती हैं बट लेकिन उससे ये पता चलता है कि आप कितने एहसास से आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं। तो पता नहीं कि मैंने कोई पढ़ा देखी थी वीडियोस में, वो बहुत अच्छा बोल रही थी, उन्होंने कहा कि अगर आपको नुकसान उठाना नहीं आता ना तो कभी भी आप फ़ायदा गेन नहीं कर सकते। तो जब आपको उठाने नुकसान ही नहीं उठाना आता तो आपको फ़ायदे की अहमियत पता ही नहीं चलेगी। तो बहुत जल्दी हम लोगों पर ट्रस्ट कर लेते हैं। अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ है फर्नीचर वाले, इसके अंदर ही होगा कहीं कार्ड, तो फर्नीचर वाला अभी तक मैं भुगत रही हूँ ना, ये चल रहा है अभी रिसेंट, तो मैं अभी ये वाला बता देती हूँ। तो जो है ना इसका ये चल रहा है कि पहले उसने मुझे ना, मैं नया नया शिफ्ट किया है तो घर की चीज़ें बनवानी थी, तो मैंने देखा मैंने देखा एक ऐप पे ना कि उसका ऐड डला हुआ था, मैंने उसको कॉन्टैक्ट किया बंदे को, तो जो है उसने कहा कि ठीक है इस तरीके से ना मुझे बड़े कम पैसे लगा के वो जो उसने एक बजट बना दिया 1.5 लाख समथिंग का। तो उसने कहा कि आपके बेड के कलर भी चेंज करा लें, तो मैंने उसको अपना बेड भी दे दिया। तो उसने उसका सिर्फ फैब्रिक चेंज किया, उसने मुझे कहा हाफ अमाउंट आप मुझे पहले दे दें, मैंने उसको हाफ अमाउंट पहले दे दी। उसने उसके बाद जब मुझे बेड डिलीवर कर दिया तो एक होता ना कि भाई आप शुरू के की फर्स्ट कमेटी दे दी तो आपको एक ट्रस्ट गेन हो जाता है कि हाँ ठीक है इससे काम करवाया है और ये दे दिया तो मतलब सही बंदा ही है। ठीक है, तो थोड़े टाइम बाद ना उसने कहा कि आज रेडी हो जाएगा, कल रेडी हो जाएगा आपका जो बकाया सामान है। अच्छा, फिर एक दिन उसका कॉल आया कि आपका सामान रेडी हो गया, मैं मुझे बस उसका डीको कराना है, उसके बाद मैं बस ट्रक में चढ़ा रहा हूँ और मैं आपके पास भेज रहा हूँ 4 बजे ना, लेकिन आप जो बकाया जो पेमेंट है ना आप मुझे वो ट्रांसफ़र कर दें, उसके बगैर डीको हो नहीं पाएगा, मेरे पास पैसे नहीं है। अब ना मैं थोड़ा सा वो हुआ, लेकिन मैंने कहा चलो ये अभी भी मुझे भिजवा रहा है सामान तो कर देती हूँ। अच्छा, मेरे पास घर पे कैश नहीं पड़ा हुआ था, मैंने उसको इवन ट्रक के भी, मैंने कहा जो होता है ना आप उसके भी पैसे ले लें, मैंने उसको उसके भी पैसे करके आप खुशी से जो राइड के पैसे थे मैंने उसको इवन राइड के पैसे भी दे दिए कि ट्रक के जो पेट्रोल का है वो डिलीवरी उसमें इंक्लूडेड ही थे, डिलीवरी के पैसे भी उसको क्योंकि घर पर कैश नहीं पड़ा हुआ था वो भी दे दिए। अब ना मैं वेट कर रही हूँ, फ़ोन नहीं उठा रहा। इस बात को आज 1.5 महीना हो गया है और अभी तक मैं उसको कॉल्स करा रही हूँ और अब जाके मैंने थोड़ा पुलिस वाला एक्शन लिया है। एक्सक्यूज़ क्या हैं? अच्छा, मेरे ना ताया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, मैं हॉस्पिटल में हूँ। मैंने कहा अच्छा, अगले दिन? नहीं, उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है। उससे अगले दिन उनकी डेथ हो गई, उससे अगले दिन आज अब उनका सोया में है। अच्छा, ये करते करते ये हो गया सारा सीन, अब जो है अम्मी बीमार हो गई। मैंने कहा इन सब का मेरे सामान से क्या ताल्लुक है? मेरा सामान तो आप कह रहे हो रेडी है, डिको हो रहा है वो, बस तो अभी सामान मिला तुम्हें कि नहीं मिला ना अभी तक? सामान भी गया, पैसे भी गए, उसने कहीं और बेच दिया होगा। अभी भी ये मंडे करके ना अभी उसने फिर मंडे का टाइम दिया, आज वेडनेसडे अब फिर मंडे का टाइम दिया। कारपेंटरों का नंबर मुझसे ले ले, प्लम्बरों का, कारपेंटरों का, और क्या जमादार का, जो घर की चीज है, इलेक्ट्रिशियन का भी मेरे पास। आप रिश्ते वालों के लिए नहीं, इन चीजों के लिए मुझे तबीयत खराब है, मैं आपको कैसे बताऊं, कोई अपनी माँ के बारे में कैसे झूठ बोल सकता है, और जो है ना आप ट्रस्ट नहीं कर रही हैं, मैं आपके पैसे आपको ट्रांसफर कर देता हूँ, जब सामान आएगा आप दे देना, वो भी भेजा हुआ अकाउंट नंबर 3 दफ़ा भेज चुकी हूँ, अभी भेजता हूँ शाम में 2 बजे तक भेजता हूँ, 4 बजे तक भेजता हूँ, करते करते अब मैंने ना खुद बात करना बंद की, अब मैंने डायरेक्ट। ये जो ये वाला मतलब ये लोग होते हैं कारपेंटर वगैरह, ये औरतों को बनाते हैं बेवकूफ, लेकिन मर्दों को नहीं बना सकते। सही बात, जो मैं अपने मियाँ को बीच में डालती हूँ ना, ओ ऐसे सीधे, और जो मुझे बाजी पैसे दे दे, फिर मेरे मियाँ ने मुझे समझाया कि मजदूरों को या इस तरह को कैसे ब्रेक कर करके पैसे देने चाहिए, तो काम भी जल्दी कर देते हैं, हम लोग बेवकूफ बन जाते हैं, ये लोग थोड़ा सा रोते गाते हैं, फलाना बच्चे का दूध नहीं है ये वो। अब आदमियों को पता है कि आदमी को कैसे टैकल करना है, खवातीन को कभी कभार ऐसा करते हैं। मेरी सिस्टर ने भी अपना घर रिकंस्ट्रक्ट करवाया है और उसको भी यही हुआ है कि मैंने कहा था पूरी पेमेंट नहीं दी, हाँ क्योंकि मैंने काम करवाया है, और कभी भी ऐप से मत उठाएं भाई। हाँ, बिल्कुल, मेरा तो दूसरा भी अभी रिसेंटली एक और भी डस लगी है, फिर डस लग गई से, एक और पहले वाली भी लगी है, ये भी निदान पैदा हुई है बेवकूफ बनने के लिए, लाइक यू। उसमें भी यही था, डाइनिंग टेबल था, मैंने देखा एड उसका और वो बेच रहा था, और क्या लड़की है, मैंने उसको एडवांस कहने लगा आप दे दें, मैंने बस आपको सामान दिलवा देता हूँ, बकाया कुछ दे दें एटलीस्ट, मैं आपको सामान करके भिजवा रहा हूँ तो एटलीस्ट ये कि मेरा भी ट्रस्ट होना चाहिए। मैंने कहा अच्छा आप मुझे अपना, कहता है मेरे पास अकाउंट नहीं है, आप मुझे इजी पैसे दे। मैंने कहा अकाउंट से चलो फिर भी डिटेल्स मिल जाती हैं। मैंने कहा नहीं आप ना फिर एक काम करें मुझे अपना NIC दे दें। उसने पता नहीं किसी का NIC मुझे दे दिया, उसके ऊपर लिख भी दिया फॉर ऑफिस यूज़ या पता नहीं सेल यूज़,
और वो मुझे NIC भेज दिया और मैंने उसको थोड़ी सी 15-20 हज़ार की जो मैंने उसको अमाउंट भेज दी, उसके बाद उसने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। कोई और नंबर यूज करें उसे NIC का क्या था कुछ पता ही नहीं। मेरी भाभी ने क्या किया, मेरी भाभी अल्लाह मैंने क्यों बता दिया, अच्छा नहीं कुछ नहीं किया। चलो ये बताऊंगी, मेरी एक जानने वाली है, उन्होंने ये किया कि उनके पास बैंक फोन आया, अपना फला 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 अकाउंट का कोड दे दें आप, और वो आप कोड बता दें, आपका वो पिन बता दें। ये रिसेंटली मेरी फ्रेंड के साथ भी हुआ है, मेरे साथ 6 दफा हो चुका है। मैं तो उसको गालियां देती हूँ, खबर है मुझे उल्लू बनाया तुम्हें। तो मेरी भाभी इतनी पढ़ी लिखी, सब डॉक्टर, मैं बता रही हूँ ना, कोई बात नहीं हुआ। हाँ सही बात है। और उन्होंने बेचारी ने इतनी वो भोली है, जबकि वो डॉक्टर हैं, इतनी एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि बार बार बैंक वाले कहते हैं कि अपना कोड, अपनी पिन, अपनी ये सब चीजें नहीं देना, कभी शेयर नहीं करें। उन्होंने जिस तरह बैंक वाले ने बात की, उन्होंने उसको दे दी पिन और उनके अकाउंट में जितने पैसे थे उसने निकाल लिए। रिसेंटली मेरी फ्रेंड के साथ मैं इसीलिए ये बात बता रही हूँ कि बहुत सारे लोग, इतनी हमारी मासूम खवातीन चाहे कितनी भी एजुकेटेड हो, वो कभी कभार बातों में आ जाती है। और इस तरह बहुत सारे गैंग्स हैं जो कर रहे हैं, वो IT एक्सपर्ट होते हैं, पता नहीं किस तरह क्या करते हैं। याद नहीं है एक जमाने में वो आपको कोड भेजते थे, हैकर्स होते थे, आप अपना फोन का वो पैसे भेजें, आप फलाना पैसे भेज दें, और वो अपनी कोई ID होती थी जिससे वो आपके पैसे निकाल लेते थे, सारे पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। मेरी बहन के साथ ऐसा हुआ दुबई में, उसने शॉपिंग की और उसके कोई स्कैनर्स लगे हुए थे क्रेडिट कार्ड में या क्या, या डेबिट कार्ड में, उन्होंने स्कैन कर लिया और उसके बाद उसके अकाउंट से पैसे निकाल लिए। सो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोग इतना इंटेलिजेंटली अब चोरियां कर रहे हैं। तो मैं इसलिए ये वाला शो किया है कि लोग थोड़े अवेयर भी चोरी का है। और ये इसमें यहाँ ये कहीं भी नहीं है कि अगर आप एजुकेटेड नहीं हैं तो आपको बेवकूफ़ बना देंगे। नहीं, नो, आजकल लोग हैकर्स जो हैं उनके पास बहुत अलग अलग ट्रिक्स हैं, बिल्कुल किसी को भी बेवकूफ़ बना सकते हैं। रिसेंटली मेरी फ्रेंड जो है उसको बनाया है, उसके अकाउंट से 2 लाख रुपए निकाले और ये कहकर कि कोई अच्छा उसके पास ये एप्लीकेशन बंद हो गई। पाकिस्तान की बात करिए, UK में भी ये बोला गया कि जब भी ATM से पैसे निकालें तो वो कहीं बैंक में होने चाहिए, बैंक का ATM होना चाहिए, उससे निकालें, ऐसे कहीं भी किसी भी ATM से मत निकालें। सही बात है, वो उन्होंने कुछ ना कुछ उन्होंने लगाया हुआ होता है कुछ कार्ड से। ओके, तो वो मतलब ये हमारे यहाँ नहीं हो रहा, इंटरनेशनल ये चीज़ हो रही है। जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है उतना डेंजरस भी होती है। तो ये बेवकूफ़ियाँ जो है ना, ये बहुत नुकसान पहुँचाने वाली।